जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम की परिभाषा, उदाहरण और इसके भेद कितने होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, उसका, यह, वह, उसका, मैं, तुम, हम, जो, सो, कोई, कौन आदि। ये सब शब्द क्या हैं? सर्वनाम। जैसे किसी का नाम कह के बोल देते हैं, यह, वह, उसका, मैं, तुम, हम, जो, सो, कोई। ये सब शब्द क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला पॉइंट है नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों, अगर आप डिटेल में इसको देखना चाहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा, उदाहरण, निश्चयवाचक, सब मतलब डिटेल में पूरा 6 का, तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, निश्चयवाचक के परिभाषा और उसके उदाहरण। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।